आप देख रहे नौटंकी लोक संगीत YouTube चैनल। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वेल आइकन घंटी जरूर दबाए ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहे बिल्कुल मुफ्त। तब फिर तुम गोली खाओ। पगला हो तुम। अगर तुम इसके साथ कुछ नहीं किए हो तो इससे जीने का कोई मकसद नहीं रह गया। हरामजादी मैं तुझे गोली मार दूंगी। ऐसे मत करना। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं अपने प्रेमी को क्या जवाब दूं? कौन है तेरा प्रेमी? कौन है तेरा प्रेमी? हमारे प्रेमी का नाम क्या है? मनोज है। क्या? हाँ मनोज तो मेरे भाई का नाम है। और किस मनोज की तू बात करती है? हाँ हाँ मैं उन्हीं मनोज की बात करती हूँ जो पुलिस में है। हाँ अरे पगली वो तो मेरा भाई है। अच्छा भगवान मैं अपनी ही भाभी के साथ ऐसा दुष्कर्म करना चाहती थी। अपने खुशियों का गला अपने हाथों से घोट देना चाहती थी। भाभी मनोज मेरा भाई है और मेरे जीते जी तुम लोगों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भैया भाभी को ले जाओ जहां कहे इन्हें बाई इज्जत भेज के आओ। कालिया पत्र लो। बताइए लिखो। बोलो सेठ जमुनादास तुम्हें मालूम होना चाहिए। सेठ जमुनादास तुम्हें मालूम होना चाहिए आज रात 12 बजे तेरे घर पे डकैती पड़ेगी। तेरे घर पे डकैती पड़ेगी। डकैती डालने वाली का नाम? डकैती डालने वाली का नाम डाकू बनी माया। डाकू बनी माया। पुलिस को कानो कान खबर की? पुलिस को कानो कान खबर हुई। तेरी रियासत में खून की नदियां बहती हुई नजर आएंगी। तेरी रियासत में खून की नदियां नजर आएंगी। जाओ इसे भेज के आओ। भैया चलो चलते हैं। जय मां भवानी। बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात? ये देखो तुम्हें नाम कर तखत हुआ हुआ। अरे खत हुई आवा हुई। वो देगा ना झाटिया डाकिया। ले पढ़ो। पढ़ पढ़ पानी का पढ़। फिर तुमको मालूम होना चाहिए कि आज रात 12 बजे तुम्हारा डाका पड़ेगा। डाका डालने वाली डाकू बनी माया। अगर पुलिस कानो कान खबर हुई तो खून नदी बहेगी। अरे खतरा पुलिस खबर न करब तो हमार जान न चला जाए तो सारे बच्चे तो पहले में भाग जाई है। हम जल्दी थाने जा रहे हैं। चौकीदार साहब कुछ मंजूक पता चला? अभी नहीं पता चला साहब। क्या करो चले साहब क्या करें सब त्रासी क्या क्या है? तू ठीक है ना? क्या देख रही है? क्या हुआ? चुलुक चुलुक में देख रही हूँ। क्या देखो साले थोड़ा मनोज मैंने भी क्या सुना कि आपने कसम खाई है। किस बात की? डाकुओं को पकड़ने की। हाँ मैंने कसम खाई है कि माया को मैं अपने हाथ गिरफ्तार करूंगा। नहीं मनोज ऐसा मत करना। वो डाकू कोई और नहीं आपकी बहन माया है। अरे मैं सही कह रही हूँ मनोज। मनोज मैं कहती हूँ जो रास्ता आपने अपनाया है उसे छोड़ दो और वो जो कर रही उसे करने दो। वो ठाकुरों के अत्याचार से उसने ही रास्ता अपनाया है। मैं मानता हूँ कि वो मेरी बहन है लेकिन पार होने के साथ साथ वो कानून की नजर में एक गुनहगार भी है इसलिए उसे गिरफ्तार करना मेरा फर्ज बनता है मेरा कर्तव्य है। देखिए एक बार सोचिए तो जब हर साल रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो वो आपके गले में राखी बांधती है। ज्यादा तुम मुझे समझाने का प्रयास मत कर। मेरे बीच में मेरा काम है दखलंदाजी मत दो। तुम चल के आराम करो जैसी आपकी मर्जी। अगर कोई आता तो इसे फरने से Thank you.
डीजे बेकार पूरी डीजे ने बर्बाद कर दियो भैया काहे मारत भैया आज सारे थाना दिवस है देखो बड़ी बड़े माटे बिछवान और तब माइक लगवान हरन सब साउंड सब लगवान आयो रिटेन हो जा रे साला डिजाइन पर बात कर चला कर डिजाइन हाँ मटे भी छह साले मटे पर बात कर दियो हाँ साहब साहब यार बात बता दियो उनका बस अरे बाते साहब यो बता दियो मैन तुम हो कि मैन वही साहब हूँ आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर कोई दिक्कत होगी अगर कोई दिक्कत होगी तो ये यूपी पुलिस आपके सेवा में हमेशा तत्पर है। अच्छा नहीं हमसे कोई दिक्कत नहीं हुई तो ठीक सेठ जमुना दास तुमको मालूम हो चाहिए कि आज रात डाका पड़ेगा डाका डालने वाली डाकू बनी माया अगर पुलिस को कानो कान खबर हुई तो खून जब हिमा साले लिखा हुआ है कि अगर पुलिस खबर हुई तो तुम साले पुलिस लेके का करना तुम सारे मछली वाले तालाब कूद गए मार रहा ना भैया साहब हमारा ध्यान बचा लिया को नहीं भी थे क्या हुआ नहीं तो माया डाकू मार डारी हमका घबरा रहे कि कोई जोने जब तक हम जीता तब तक कोई आप पर बाल बाकल ही कर सकते अरे साहब यह चौगड़ा हिया मारे डाक नाव नहीं आवा चौकीदार चौकीदार चौकड़ा नहीं है नाव नहीं आवा साहब मारी अत्ता ज्यादा मारी मारी इसकी हमारी दिशा भर होएगा साहब देखिए आप अपनी हवेली चलिए और जैसे साहब होगी शाम के 6 बजे हाँ 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 साहब आप हवेली जाइए जैसे ही तुम्हारे यहाँ डाका पड़ेगा और माया तुम्हें गोली मारेगी हम लोग आ जाएंगे क्या करने जाएगा साथ इनको पता नहीं है कि पुलिस हमेशा लेट पहुंचती है अगर साहब हम लोग जल्दी पहुंच गए अगर वहां पर डाकू नहीं आए तो डीजल खर्चा गाड़ी खर्चा कौन देगा अगर खून नहीं होगा अगर चोरी नहीं होगी डकैती नहीं होगी कत्ल नहीं होगी बलात्कार नहीं होंगे रेप नहीं होंगे तो हमें तरक्की कैसे होगी मुझे एसपी बनना है साहब ये कुछ दिन में आवत और जत्ते आवत हो यही अपने मुजलिम उनका यो सुधिया दिए थे होई नहीं तुम बताओ चल रहा था ये बोलो हमारे तरफ तो कोई तकलीफ तो नहीं हुई नहीं हवा नहीं हवा
अपने हमने चले हम लोग इंतजार कीजिए। हां साहब हम अतनी फोर्स में आए हो कि हमने हवेली चारों तरफ लगा दियो मान हम तक चारों तरफ कौनो एमपी एमएलए आओ मंत्री सांसद विधायक आओ इनके चारों कहते पुलिस लगा दियो साले तीन पुलिस आए अब बताओ चार को खबर कहीं साहेब ऐसे थाने का फोन कर दिया है ऐसी सेवड़ का फोन कर देना है बछरा का फोन कर देना है नूनी कटरा का फोन कर देना है हैदरगढ़ का फोन कर साहेब कम से कम पियासी पुलिस बोलो पियासी पुलिस कम से कम 100-200 होम गार्ड मंगाओ हाँ वहा 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 हाँ साहब चलो हम देखते हैं शेर साहब की हवेली पे फिर देखते हैं कि माया किस रास्ते देती है। कौन बिट बच गए नहीं नहीं थाने नहीं हमारे आधा जान तो ले ली भैया हो रहे हो हम यहाँ भाग चली नहीं तो कहूँ अबे पुलिस वाले नहीं आने कहूँ माया आ गए तभी जान ले ले अरे मुझे भूषण मामा की तबीयत खराब उनका घर आया ठीक नहीं उनके लड़का लावत डाला भैया चंदन हो अरे तीनों की डाला लाया भैया ऐसी हम का स्टेशन तक पहुंचा दियो अब हम ही आना रहे हम पाकिस्तान चले जाए ओ भैया चंदन जाएगा रे कहां जाएगा हराम जादे जब जानता है तू कि भागने के लिए तेरे पास जमीन कम पर जाएगी तब भी भागना चाहेगा कहां जाएगा बिटिया जत्ते भाग जाते हैं कि यो सब जत्ते घर द्वार सब तुम्हारे हो जाए सब ले लियो बच्चा हम यहां से पाकिस्तान चले जाए पाकिस्तान नहीं तू अब जाएगा तो कब्रिस्तान जाएगा उतार लो सदरिस की और सेठ बना घूम रहा है कितना माला पहन लिया है राम चादे बच्चा हम अत्ता गुना नहीं किए तुम्हारे पापा हमसे कर्जा लेना है हम बताई दाली माछी पर जात है वही का नीचे खा ले त्रहन या क्या चमन्नी जोर जोर के अत्ते पैसा बनाना है कितना कर्जा लिया था मेरे पिताजी ने तुझसे कर्जा लेना 17,833 रुपया 50 पैसा सूत ब्याज जोर के कितना हुआ 3,13,918 कत्ते हुए भैया ₹43,770 रुपया 50 पैसा हिसाब में तुम कहीं भूल तो नहीं रहे मूलधन मैं दूंगी ब्याज का लिया देगा और जैसी किया है करनी जैसी किया है करनी वैसा ही फल मिले जगह पे जहां पानी नहीं मिलेगा साथ मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती हरामजादे तेरे मुंह से मुझे घृणा आती है नंबर एक और दो और दो भैया
आज मेरे सारे जानी दुश्मन मारे जा चुके, अब बचे भैया। माया आपने आपको कल कहा करते हैं वादा प्रेस से भाग सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते हैं, ऐसा नामुमकिन है। मैं समझा रहा हूं, अभी तेरे पास वक्त है, समय है। माया अपने आप को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो हम तेरे हवाले हो जाएंगे। नंबर एक दो भैया, मैं मजबूर हूं भैया, इसलिए मेरे हाथों से अभी तक गोली नहीं चली। भैया तुम मेरे भाई, मैं तुम्हारी बहन हूं, इसलिए मैं कहती हूं वापस चले जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भाई मैं तुम्हारी बहन हूं। और मैंने इन हाथों में कभी राखी नहीं बांधी थी। अगर तुम नहीं मानोगे भैया तो आज रक्षाबंधन के दिन मुझसे अनर्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। भैया बर्दाश्त की भी सीमा तुमने क्रॉस कर दी भैया, अब मैं मजबूर हूं। नंबर एक और दो मैं तुझे आखिरी बार दे रहा हूं कि अपने आप को काउंटर कर हवाले कर दे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूं। नहीं मानती है? नंबर एक भैया मैं अब नहीं बर्दाश्त कर सकती, अब संभालो अपने आप को भैया। नंबर एक और दो अभी तेरे पास समय है कि अपने आप को कारुगार कर दे, वरना मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भैया मैं तो अभी तक समझा रही थी कि तुम मेरे भाई हो, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने भाई को अपने हाथों से मार दूं। तुम नहीं मानते तो भैया तुम अब मजबूर हो। मैं नंबर एक और दो चाहती थी भैया, न जाने क्यों मेरे हाथों से गोली चल गई। भैया मुझे माफ कर दो भैया। चलो भैया मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती। भैया आप तो अपने भाई को जिंदा रखना चाहती है, ते मेरी बहन अपने आप को कानून के हवाले कर दे। हाँ भैया तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। हेलो स्टाफ, अरे आप हैं गोविंदे भाई साहब, सीन पे खुश होकर के 10 रुपए का पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो हथियार सब मैंने है रख दिया, we'll be right back।
है राम सरोज भाई साहब, राम सरोज भाई साहब जगराम मध्यपुर की ओर से माया के लिए 21 रुपया दिया पार्टी की ओर से, धन्यवाद। क्या गए अनमोल गौस नगर की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी से। मेरी तेरी मुलाकात हुई तो किस मोड़ पे हुई बहन, क्या तेरा भाई तेरी मदद भी नहीं कर सकता है भैया मेरे भाई। और तो सदा खुश रहे और मेरी प्यारी बहने, और तो सदा खुश रहे मेरी प्यारी बहने, कैसी भांति देखे कौन, इधर राज रक्षा बंधन का त्योहार है और इधर देखिए माया अपने भाई के कलाई में राखी बांध करके अपना बहन का वचन पूरा करती है। इधर मनोज स्वेटर है अपनी बहन की हाथों में हथकड़ी डाल करके और देखिए कानून का फर्ज अदा करता है। इसी को कहते हैं भाई बहन का प्यार, डाकू बनी माया उधर राखी और हथकड़ी। भैया हर एक रक्षा बंधन के दिन जब भी मैंने तुम्हारे हाथों में राखी बांधी तो भैया आप कोई ना कोई उपहार मुझे देना चाहे तो भैया मैंने आपसे यही कहा कि भैया ये उपहार मेरा उठार रहा, वक्त पड़ने पर मैं अपनी राखी का हक मांगूंगी। भैया आज वो वक्त आ गया है कि मैं अपनी राखी का हक मांगू, और भैया अगर देना चाहते हो तो मुझे इंसाफ दे दो भैया, क्योंकि अपनी घर की बर्बादी करने वालों का मैंने सर्वनाश किया है भैया, कोई अपराध नहीं किया। पैन ये तेरा भाई कसम खाता है कि मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि मैं तुझे जितनी कम से कम सजा दिलवा सकूं उतनी सरकार से दरख्वास्त करूंगा। भैया मैं भी भगवान से गुजारिश करूंगी हाथ जोड़ के कि भाई अगर हर एक बहन को भाई दे तो हमारे भैया जैसा। भैया इसे समझो ना